हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आज हमें जो यस बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली वो फ्लैटी क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि आज हमें ओपनिंग ही तकरीबन 30 पैसे का गैप ऑफ ओपनिंग नजर आया था और फाइनली क्लोजिंग फ्लैटी रही। और देखा जाए तो यस बैंक के रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। यस बैंक के CEO यानी प्रशांत कुमार का आज एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें यस बैंक के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बैड लोन्स को लेकर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कि प्रशांत कुमार की ओर से बैड लोन्स को लेकर जो बयान आया है वो विस्फोटक बयान आया है। और आपको पता ही होगा कि यस बैंक का जो बैड लोन पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 40,000 करोड़ का दोस्तों बैड लोन्स पोर्टफोलियो है। और इस पोर्टफोलियो के लेके प्रशांत कुमार ने बहुत ही बड़ा बयान दिया हुआ है। तो जो खबरें निकल के आई है प्रशांत कुमार की ओर से, जो बयान आए हैं, उन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वीक में किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं और कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ सकता है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले। और चैनल पर नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको NSE की वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा और आज के कारोबार की सिचुएशंस किस तरह की रही थी उसके ऊपर एक नजर करते हैं। और उसके बाद हम जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहां पे मैंने यस बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। आज के कारोबार की सिचुएशंस की बात करें तो फ्लैटी क्लोजिंग नजर आई। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी ₹17.60 पे और आज हमें जो ओपनिंग को मिली वो ₹17.90 पे ओपनिंग देखने को मिली। 30 पैसे का गैप अप ओपनिंग हुआ और हाई बनाया और ₹18 का हाई बना तो आज यस बैंक नजर आया। और लो की बात करें तो ₹17.30 के आसपास का हमें लो देखने को मिल रहा है। और डेवलपर परसेंटेज की बात करें तो जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो तकरीबन 11,22,03,000 क्वांटिटी हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें से डेवलपर क्वांटिटी की बात करें तो 4,95,19,000 क्वांटिटी हमें डेवलपर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डेवलपर परसेंटेज निकल के आ रहे और तकरीबन 44% से भी ज्यादा के डेवलपर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो हमें काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और यस बैंक में खरीदारी भी अच्छी खासी होती हुई हमें देखने को मिल रही है और खरीदारी भी अच्छी खासी होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नजर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर देखने को मिल रही है, प्रशांत कुमार को जो बैड लोन्स को लेके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और प्रशांत कुमार का जो आंसर आया है वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। वी बिलीव कैन रिकवर 50% ऑफ 40,000 करोड़ बैड लोन्स प्रशांत कुमार। तो दोस्तों प्रशांत कुमार का कहना है कि जो 40,000 करोड़ का जो बैड लोन्स है उसमें से हम तकरीबन 50% तक रिकवर कर लेंगे, ऐसा यहाँ पे प्रशांत कुमार का बयान आया हुआ है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि उससे पहले भी एक बैड लोन्स को लेकर खबर निकल गई थी, उस टाइम पे तकरीबन 25% रिकवरी की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रशांत कुमार की ओर से बयान आया है वो तकरीबन 50% का यहाँ पे दोस्तों बयान आया हुआ है। तो देखा जाए दोस्तों तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर आती हुई में यस बैंक के रिलेटेड देखने को मिल रही है। अगर ऐसा होता है दोस्तों 50% भी अगर रिकवर होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 20,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे बैड लोन्स रिकवर होता हुआ यस बैंक का नजर आएगा। और अगर यस बैंक के पास तकरीबन 20,000 करोड़ आएगा तो यस बैंक का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और आपको पता होगा कि पहले भी जो बैड लोन्स है उसको लेके खबर निकल के आई थी और ये जो बैड लोन्स है 40,000 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है वो RBI अपने अंडर लेने वाली थी। और RBI के अंडर में एक ARC करके दोस्तों एक कमेटी है, जिसका मैं नाम बता दूँ तो एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी है, जो RBI के अंडर में कंपनी काम करती है, वो ये पोर्टफोलियो हैंडल करने वाले थे। और उस टाइम पे तकरीबन 25% की बात की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रशांत कुमार की ओर से बयान आया है वो 50% रिकवरी का बयान आया है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो ARC अपने अंडर में लेता है और वहाँ से अगर 50% भी यस बैंक को मिलता है तो भी काफ़ी बड़ी रकम यस बैंक के हाथ में आती हुई नजर आएगी। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि RBI का जो पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होता है और उसके जो डिसीजन होते हैं उसके ऊपर वो एक्शन भी ले सकता है। तो अगर ये पोर्टफोलियो रिकवर करने में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो RBI डिसीजन भी ले सकती है और एक्शन भी ले सकती है। तो इस तरह की यहाँ पे खबर देखने को मिल रही है बैड लोन्स को लेके। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी यस बैंक ने बैड लोन्स रिकवर की हुई है,
और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी हैव रिकवर 1000 करोड़ इन फर्स्ट टू क्वार्टर्स। तो फर्स्ट टू क्वार्टर्स में येस बैंक ने 1000 करोड़ रिकवर कर लिया था, और जो येस बैंक का टारगेट है इस साल का, वो तकरीबन 5000 करोड़ का बैड लोन्स रिकवर करने का टारगेट है। और देखा जाए तो काफ़ी बिलीव है प्रशांत कुमार को कि हम 50% तक बैड लोन्स रिकवर कर लेंगे, फिर वो चाहे किस तरह से भी करें। तो हो सकता है दोस्तों कि अगर ERC के अंडर में 40,000 का ये जो बैड लोन्स का पोर्टफोलियो है वो अगर ERC हैंडल करता है, तो वहाँ से भी अगर 50% मिलता है तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों 20,000 करोड़ भी अगर येस बैंक के पास आता है तो येस बैंक का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ सकता है, और लिक्विडिटी बढ़ेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं येस बैंक का ग्रोथ भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की यहाँ पे खबर देखने को मिल रही है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रशांत कुमार को इस इंटरव्यू में, जो कि काफ़ी बेहतरीन आंसर दिए हैं और काफ़ी बड़ी बातें की हुई है प्रशांत कुमार ने। और आपको पता ही होगा कि प्रशांत कुमार जो बातें करते हैं वो करके दिखाते भी हैं, सिर्फ बातें करने वाला उसमें से नहीं है। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे खबरें देखने को मिल रही है, और अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीक में किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारी लिंक थ्रू ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमारे किसी भी वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम हमारा जो पेड सर्विस ग्रुप हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें उसको हम ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 17.55 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे चार्ट के ऊपर नज़र करते हैं तो हमें बढ़िया तेज़ी के बाद अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ की हुई है और इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करता हूँ मैं कहीं ना कहीं येस बैंक नज़र आ रहा है। और अगर दोस्तों इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हैं अगर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 17 रुपये का, और उसके नीचे 16.80 रुपये का, जो कि 17 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उससे पहले भी कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ हमें 17 रुपये के आसपास देखने को मिला था, लेकिन उसके नीचे अगर इस 17 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके नीचे रिसेंटली 16.80 रुपये का ये सपोर्ट, तो ये दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ पे आपको फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 18 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर 19 रुपये का। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा तेज़ी आने की पूरी संभावना मुझे नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों आपको 19 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको येस बैंक हो सकता है 18 रुपये और 17 रुपये के अंदर ही तक मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है, फिर यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन रही है और यहाँ पे देखा जाए तो नेरो रेंज बनती हुई हमें नज़र आ रही है, तो काफ़ी हाई चांस है कि आपको नेक्स्ट वीक में ऊपर की तरफ या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आना संभव ही है दोस्तों। वो फिर ऊपर की तरफ आएगा या तो फिर नीचे की तरफ आएगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से खबरें बनी हुई है और जिस तरह से यहाँ पे तेज़ी बनी हुई थी तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली तेज़ी का ही माहौल देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस लेवल को आप वॉच आउट कर सकते हैं, और 19 रुपये के ऊपर भी निकलता है तो फिर 20 रुपये का यहाँ पे 20.70 रुपये का हमें तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि पिछली बार यहाँ पे रिसेंटली हाई बनाया था वही लेवल अब हमें यहाँ पे जस्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ ये दो सपोर्ट लेवल, और जिस तरह से ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है तो इसी को फॉलो कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो मैंने आपको लेवल दिया उन लेवल को आप वॉचआउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजिशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो इसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।